हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेट्स की दुनिया। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके और आपके बर्ड्स के लिए। अगर आपके बर्ड्स को लूज मोशन की दिक्कत है, लंग्स की सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, कोई गैस्ट्रल इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम है, या यूरिनरी कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम है, तो आपको ये जो स्क्रीन पर जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सिप्लोफ्लॉक्सिन एंड फ्यूसाडाज़ोली, ये बहुत ही अच्छा एक एंटीबायोटिक है। आप अगर आपका बर्ड हेल्दी है या बीमार है, तो आप इसको महीने में 4 दिन लगातार दीजिएगा। देने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml आपको ये देना है। वेटरनरी शॉप पे इजीली मिल जाता है, बाय चांस अगर नहीं मिलता है तो ह्यूमन केमिस्ट शॉप पे आपको ये मिलेगा। तो उसे बच्चों वाला बोलिएगा कि कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए चाहिए। तो आप इसको 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml लगातार 4 दिन तक दीजिए, तो जिससे कि आपका बर्ड हेल्दी रहेगा। अगर आप इसको देते हैं लगातार 4 दिन तक, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन होगा तो ये दवा बहुत ही बेहतरीन है, अलग कॉम्बिनेशन। और दूसरा, अगर आपके बर्ड को कोई शिकायत है लूज मोशन की, सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है या कोई गैस्ट्रल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, आप इसको डेली बेसिस पे नहीं देना है, सिर्फ महीने में 4 दिन लगातार देना है, या जब आपका बर्ड जब बीमार हो। और इस चैनल पे मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये कॉम्बिनेशन हो गया है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको अदर एंटीबायोटिक्स के बारे में बताऊँगा। तो उसके अंदर यह है कि आपको लगातार एक बर्ड को अपने एक ही तरह का एंटीबायोटिक नहीं देना है, चेंज करते रहना है। जैसे कि अपन कैल्शियम विटामिन के जो सप्लीमेंट्स देते हैं, तो लगातार अपन एक ही तरह का नहीं देते, अपन उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। तो जिससे कि बर्ड की बॉडी एक ही एंटीबायोटिक से यूज टू नहीं होती और वो एंटीबायोटिक उसके लिए काम करता है। हर चीज़ के लिए अलग एंटीबायोटिक होता है और हर मौसम के लिए भी होता है। तो आपको हर हमेशा एक ही चीज़ यूज़ नहीं करनी है। तो मैं जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और नॉलेज हो रही मेरी अपने इतने टाइम की, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाले और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लगातार देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।